My channel, my name is Gary. Today, we're going to talk about. कर सके। सबसे जिनके वीजा लग चुके हैं और जो लगने वाले आप सबको बहुत मुबारक है एडवांस में एज ए बड़ा बाई मुझे पता है आप लोग बड़े एक्साइटेड है और मैं आप सबको यूके में बहुत जल्दी देखूंगा सबसे पहले आपको क्या डाले कपड़े कपड़े कैसे डालने जो यूके है वो इंडिया पाकिस्तान के बहुत ठंडा है आपको थर्मल लेनी है आपको गर्म सॉक्स लेनी है मफलर लेना है दो जीन्स और ऐसा कोट लेना जो लॉन्ग जिसमें आपकी सर्दियां रुक सके बहुत कपड़े मत लेना क्योंकि यूके का जो स्टाइल है कपड़े का वो इंडिया से डिफरेंट है कोशिश करना कुछ कपड़े यहाँ कर लेना क्योंकि यहाँ के कपड़े बहुत ही गर्म होते हैं नंबर 2 ब्लैंकेट ब्लैंकेट इंडिया से मत लाना क्योंकि यहाँ पर मिलती रजाई जो आठ नौ पाउंड की है बहुत गर्म होती है तो आपको ब्लैंकेट इंडिया से लाने की कोई भी जरूरत नहीं है अब बात करते हैं बेडशीट की और सरानों के गलफ की आप इंडिया से दो बेडशीट लेकर आना ताकि आप यहाँ पर अपने बेड पर इसको यूज कर सको उसके अलावा कार ड्राइविंग की बात करें अगर आपको कार चलाने का शौक है अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना क्योंकि यहाँ पर वो वैलिड है एक साल के लिए अगर आप ड्राइविंग इंडिया से सीख कर आओगे तो यहां पर आकर ड्राइविंग का टेस्ट बहुत जल्दी पास कर लोगे उसके अलावा आपको पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी ऑफर है कैश लेटर उसकी एक अलग फाइल बनानी और जो आपके हाथ में हो ताकि अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर रोक के लंडन बर्मिंगह एयरपोर्ट पर आप उसको दिखा सको तो डॉक्यूमेंटेशन आपको ऐसे करनी है प्रॉपर ऑर्डर में जहां पर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट हो जो आपने एक वीजा के लिए अप्लाई किए थे दिल्ली या लाहौर में उसके अलावा आपको पास साइज फोटोग्राफ लेकर आनी है और कोशिश करना पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है आपकी उसको स्कैन कर लेना और अपना ईमेल रख लेना क्योंकि पर बहुत सारे फॉर्म पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होती है और यहाँ पर जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज बहुत ही महंगी है एज कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान उसके अलावा आपके शूज भी बोलूंगा आप शूज गर्म लेकर आना एक ब्लैक शूज लेकर आना दो वाइट शर्ट लेकर आना और दो ब्लैक ट्राउजर लेकर आना अगर आपको कल वेटर की जॉब करनी पड़ेगी आपके पास ब्लैक शूज वाइट शर्ट

आते ही मैगी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी तो कोशिश करना जितने भी स्पाइस अचार है वो सब लेकर आना जो कि आपके रोज के खाने में आपके काम आते हैं जो इंडियंस लोग थोड़ी चाय पत्ती लेकर आना क्योंकि चाय पत्ती का टेस्ट डिफरेंट है और आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी थोड़ी चाय पत्ती जरूर लेकर आना इंडिया से जब आप फर्स्ट टाइम आओगे उसके अलावा मेडिसिन लेकर आना कोई बुखार की गोली उल्टी की गोली थोड़ी मेडिसिन रखना ताकि अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम हो तो आप मेडिसिन ले सको आप और स्मार्टफोन लैपटॉप वो तो आपके पास है ही स्मार्टफोन आप लेकर ही आओगे क्योंकि यहाँ पर सारा काम स्मार्टफोन से होता है और थ्री पिन लेकर आना जो यूके में चलता है टॉयलेटरी की बात करें शेविंग ब्लेड लेकर आना शेविंग करनी है आपको कि यहाँ पर सब लोग शेविंग घर करते हैं अगर आपका कोई फेस वॉश है उसको लेकर आना शैंपू लेकर आना ब्रश लेकर आना पेस्ट लेकर आना साबुन लेकर आना इस सब कुछ लेकर आना जिसकी आपको जरूरत यहाँ पर फर्स्ट डे पड़ेगी जिन लोगों ग्लासेज लगे हुई हैं ग्लासेज बहुत महंगी है कोशिश करना कि एक्स्ट्रा पेयर ग्लासेस का लेकर आना क्योंकि अगर आप यूके आओ अगर आपका ग्लास टूट चुका है तब आप अपना दूसरा ग्लास यूज कर सकते हो एज ए बैकअप तो ग्लासेस के दो पेयर जरूर यहां पर लेकर आना उसके अलावा सिम कार्ड है यूके का मैं सजेस्ट करूंगा मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप सिम का कॉन्टेक्ट लेना ट्वेल्व का इससे आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी बनेगी और आगे जाकर आपको यूके में घर क्रेडिट कार्ड और लोन लेने में अच्छाई होगी सबसे बड़ी बात है आपको बैग लेना है जिसका कलर डिफरेंट हो जैसे मेरा ऑरेंज बैग है मैं तो जब भी किसी एयरपोर्ट पर जाता हूं दूर से दिख जाता है कोशिश करना अपने बैग का कलर वो चूज करना जो सबसे डिफरेंट है यूके आकर आपको सबसे पहला काम करना बैंक अकाउंट खोलना है आपको एन आई नंबर अप्लाई करना एन आई नंबर मतलब नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना और आपको जाकर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करनी है तो प्लीज गाइड अगर आपने एन आई का वीडियो नहीं देखा है कैसे बैंक अकाउंट ओपन करना वो नहीं देखा है कैसे यूके में मोबाइल फोन लेना एज ए कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं देखा है तो प्लीज ये सारे वीडियो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो क्योंकि आपको पता है मेरे पास सत्रह साल का एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट इन ब्रिटिश पासपोर्ट तो रिमोट कंट्रोल ऑफ माई चैनल इज इन योर अगर आपके पास कोई और टॉपिक है मेरे दोस्तों बताना मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा प्लीज अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं आए मुझे फॉलो कर लो फॉर द मीन टाइम गाइज आप प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी आप जहां रहे, खुश रहें बांध रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें तब तब के लिए अलविदा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलेगा क्योंकि मेरे पास है सत्रह साल का एक्सपीरियंस